हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना हो और आप इसका इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में क्लियर और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिली हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपने कभी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया ही ना हो। तो आप जान लीजिए, अगर आपने ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल किया है, जैसे ईमेल, यूट्यूब, गेम्स, मूवीज, टीवी सीरियल्स, अगर आप देखते हैं, तो इन सब के पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग का ही हाथ है। आज छोटे से छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े से बड़े एजेंसियाँ भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसी तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइडर मनोज शाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वर्ड्स में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में ना सेव करके इंटरनेट पर सेव करना। जब आप अपने डेटा को कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो आप उस डेटा को अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन यदि आपने डेटा को इंटरनेट पर सेव किया है, तो आप उस डेटा को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक में से एक है और इसका यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन सर्विसेज में नेटवर्किंग, डेटा स्टोरेज, डेटा सर्वर और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेस शामिल हैं। कहने का मतलब, जब आप अपने डेटा को किसी लोकल कंप्यूटर में या अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, तो आप उस डेटा को सिर्फ अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस कर सकते हैं। और यही डेटा अगर आपने इंटरनेट पर स्टोर करके रखा है या सेव करके रखा है, तो आप उसको कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूज़र कितना भी डेटा सेव कर सकता है और कहीं से भी कब कितना भी डेटा यूज़ कर सकता है। तो चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका यूट्यूब, यूट्यूब आपका बहुत ही फेमस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें रोजाना कितने ही वीडियोस अपलोड होते होंगे, और ये वीडियोस सेव करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक आपका बहुत ही फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनमें भी रोज कितने ही प्रोफाइल्स बनते हैं, उनके डेटास होते होंगे, इन डेटास को भी सेव करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार आपके ईमेल्स हैं, जो डेटास आप सेंड करते हैं, जो रिसीव करते हैं, इनके लिए भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपके गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव्स हैं, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को दो अलग अलग तरीके के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है डिप्लॉयमेंट के आधार पर और सेकेंड है क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस के आधार पर। तो सबसे फर्स्ट है आपका डिप्लॉयमेंट के आधार पर। डिप्लॉयमेंट के आधार पर फोर टाइप्स के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंड प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड है आपका कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फोर्थ है आपका हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। पब्लिक क्लाउड हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है और यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज कई बार फ्री रहती है या इनके लिए बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। अमेज़न वेब सर्विस का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, ये सभी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज और नेटवर्क एक प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूज़र अपने क्लाउड स्टोरेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करता, जैसे कि गूगल ड्राइव एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। यहाँ आपका सारा डेटा आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित होता है और इसमें आपका ड्राइव आपके अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लिए ही उपलब्ध रहती है, इसके अलावा कोई अन्य बाहरी इंसान इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में किसी सरकारी दफ्तर के लिए सिर्फ उसके कर्मचारी उसकी साइट पर उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग केवल उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी साइट पर कुछ सामग्री केवल रजिस्टर्ड लोगों के लिए उपलब्ध हो
और कुछ सामग्री सार्वजनिक उपलब्ध हो, तो ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। तो इसी तरीके से क्लाउड्स के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। IaaS जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं IaaS के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस तरह की सर्विस में क्लाउड का कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है। इस सर्विस को मूल रूप से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूजर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें या तो वो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। इसमें आप चीज़ों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको रिमोट सर्वर पर केवल एक ही सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विसेज को ज़्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विस में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है ज़्यादा स्टोरेज यानी लार्ज स्टोरेज। इसमें आपका पूरा डेटा क्लाउड पर सेव होता है जिसमें आप अपनी मर्जी और ज़रूरत के अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेटा एक्सेस करने में आसानी। क्लाउड पर डेटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आपको प्रोसेसिंग पावर के साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जितना चाहे उतना प्रोसेसिंग पावर खरीद सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कम कीमत। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी ज़रूरत अनुसार स्टोरेज स्पेस खरीद सकते हैं और आपको सिर्फ उतने ही पैसे चुकाने होते हैं। जैसे कि अगर आप 20 GB स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप 20 GB के पैसे चुकाकर इतना ही स्पेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 500 GB हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर होती है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाने से आपका व्यवसाय उतने समय के लिए रुक सकता है। इंटरनेट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसमें हमेशा साइबर अटैक का खतरा बना ही रहता है, इसीलिए आपको हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।